बिग बॉस के घर में हुआ है नॉमिनेशन टास्क, किसके हाथ में रखी गई किसकी डोर, किसने किया किसको नॉमिनेट और विकी ने क्या किया मुनव्वर को नॉमिनेट, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक के हाथों में है ईशा को नॉमिनेट करने की पावर। क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 17 का घर, जहां नावीद के इविक्शन के बाद एक बार फिर से नॉमिनेशन टास्क हुआ है। इस नॉमिनेशन टास्क में एक पेड़ है जिसमें काफ़ी सारे पत्ते हैं और उन पत्तों पे सभी घर वालों के नाम लिखे हैं। हर एक पत्ता किसी ना किसी कंटेस्टेंट को मिलेगा जिसमें किसी और कंटेस्टेंट का नाम लिखा होगा, और वो पूरा का पूरा उस कंटेस्टेंट पर डिपेंड करता है कि वो उसे नॉमिनेट करना चाहता है या फिर नहीं। और जितने पत्ते पेड़ से गिर जाएंगे वो कंटेस्टेंट हो जाएंगे सीधा सीधा नॉमिनेट। तो सबसे पहले विकी को मिला है मुनव्वर का नाम, जिसके बाद विकी मुनव्वर से पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आप नॉमिनेट नहीं होना चाहते, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आपको फ्रंट फुट पे खेलने को कहा गया है, एक महीना हो गया है। तो वहीं मुनव्वर देते हैं सैवज से रिप्लाई और बोलते हैं कि अगर मुझे फ्रंट फुट पे खेलना है तो कोई ना कोई विकेट कीपर तो ज़रूर होना चाहिए, और यहाँ एक महीने मैंने सोते हुए तो नहीं बताए हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है क्या विकी मुनव्वर को नॉमिनेट करेंगे? तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक के हाथों में है ईशा का नाम। जी हाँ, जहाँ जिसके बाद समर्थ से बिग बॉस पूछते हैं कि आपका क्या कहना है, तो समर्थ कहते हैं कि फ़िलहाल मैं ईशा के लिए तो खुश हूँ लेकिन अभिषेक के लिए नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या अभिषेक ईशा को नॉमिनेट करेंगे या फिर नहीं? तो अब इस घर में रिश्ते खुलने वाले हैं, रिश्तों की सच्चाई आने वाली है सामने। आप कितने एक्साइटेड हैं इस नॉमिनेशन टास्क के लिए कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।